हेलो एवरीवन ये एक जावास्क्रिप्ट का कोर्स है और जावास्क्रिप्ट के हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं तो हम लोग बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस टॉपिक पे जाएंगे तो बेटर होगा कि अगर आप ये प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखो तो आप अच्छे से जावास्क्रिप्ट को समझ पाओगे तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जावा है क्या तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है और जावा को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ द वेब लैंग्वेज ऑफ द वेब क्यों बोला जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का सबसे कॉमन यूज क्या है कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट के काम आती है और हर वेबसाइट में आपको जावास्क्रिप्ट का कोड मिल जाएगा तो एक बार देखते हैं कि किस किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एक है स्टैटिक वेबसाइट एक है डायनेमिक वेबसाइट तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो और यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता उसमें आप बटन क्लिक करके कुछ एक्शन नहीं करते हो सिर्फ आप रीड करते हो तो पहले के टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होती थी लेकिन आज के टाइम पे सारी की सारी वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है बटन क्लिक कर सकते हैं हर यूज़र के लिए अलग अलग तरह का पेज चेंज होता है डायनेमिकली चेंज होता रहता है तो वो सब पॉसिबल होता है जावाज की मदद से तो आज के टाइम पे सारी वेबसाइट मोस्टली डायनेमिक वेबसाइट बनती हैं और वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए मोस्टली डेवलपर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं और ये सबसे कॉमन यूज़ है जावास्क्रिप्ट का कि आपको जावास्क्रिप्ट हर वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करें या कस्टमाइज़ करें या कुछ टास्क उस सिस्टम का ऑटोमेट करें तो ये रोल होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का लेकिन आज के टाइम जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो जिसमें काफ़ी ह्यूज कोड बेस हो ठीक है तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बिल्ड कर सकते हो विथ सो मैनी लाइन्स ऑफ कोड विथ ह्यूज कोड बेस ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट को आप आज के टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कुछ स्टैट्स भी देख लेते हैं तो वर्ल्ड में सिक्सटी थ्री परसेंट डेवलपर जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं टू हंड्रेड मिलियन एक्टिव वेबसाइट्स हैं और ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है और वर्ल्ड में 1.3 करोड़ डेवलपर हैं जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा यूज़ होती है और कितने सारे डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ होस्ट इन्वायरमेंट तो होस्ट इन्वायरमेंट क्या होते हैं ना वो जावा को अपने अंदर एम्बेड करके रखते हैं और बिना होस्ट इन्वायरमेंट के आप जावा के कोड को रन नहीं कर सकते हो ठीक है तो बहुत पॉपुलर जावास्क्रिप्ट का होस्ट एक होता है आपका ब्राउज़र ठीक है तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि ब्राउज़र के अंदर हम वेबसाइट सारी ओपन करते हैं ठीक है कोई भी वेबसाइट ले लो गूगल डॉट कॉम फेसबुक और भी सारी नेटफ्लिक्स ठीक है तो ये सारी वेबसाइट हम ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर और वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ होता है तो ब्राउज़र एक होस्ट है जिसके अंदर आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हो और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है अब ब्राउजर उस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करेगा ठीक है तो ब्राउजर होस्ट कैसे बन गया क्योंकि ब्राउजर ने अपने अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट किया है तो ब्राउज़र के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है ठीक है इसकी वजह से ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को समझते हैं और इसकी वजह से ब्राउजर एक होस्ट बन पाया और अलग अलग ब्राउज़र ना अलग अलग अपने उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है जैसे कि क्रोम अपने जावा स्क्रिप्ट इंजन को बोलते हैं वी एट बहुत पॉपुलर है इसी तरीके से मोज़िला अपने जावास्क्रिप्ट इंजन को बोलते हैं स्पाइडर मंकी और जो वेबसाइट्स होती हैं वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन हो जाती हैं और कोई भी तरह की डिवाइस हो उसमें ओपन हो जाती हैं चाहे मोबाइल हो टैबलेट हो डेस्कटॉप हो और टैबलेट का कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे आई हो चाहे आपका एंड्रॉइड वाला हो तो वेबसाइट हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस में ओपन होती है और वेबसाइट के अंदर होता है जावास्क्रिप्ट का कोड तो अलग अलग डिवाइस वेबसाइट को कैसे रन कर पाते हैं और रेंडर कर पाते हैं एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं जैसे कि हमारा मोबाइल है इसके अंदर एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो क्यों मोबाइल ने उसको ओपन किया क्योंकि मोबाइल के अंदर ब्राउज़र था और ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन था ठीक है अब आप समझ गए हो कि ब्राउजर ने हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर रखा है और ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन होता है तो हम कहीं पर भी वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं तो अब देखते हैं कि ये जो ब्राउजर हमारे जावास्क्रिप्ट को कैसे अलाउ करते हैं कि वो इनपुट ले पाए तो ब्राउजर ने जिस हिसाब से इंप्लीमेंट कर रखा है उसमें इनपुट लेने के लिए आप माउस की हेल्प ले सकते हो या कीबोर्ड से कुछ टाइप कर सकते हो या फिर एस नेटवर्क कॉल जो होती है ब्राउजर की उससे जावास्क्रिप्ट में आप इनपुट ले सकते हो और जावास्क्रिप्ट का आउटपुट आप कहाँ डिस्प्ले करोगे मान लो कि आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ टेक्स्ट आपको मिला है वो आपके जावास्क्रिप्ट में स्टोर है तो आपको उसको आउटपुट करना है तो आउटपुट करने के लिए ब्राउज़र दो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं एस टी एम एल सी एस एस तो आपको जो भी आपका जावास्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपको एस टी एम एल सी एस एस को यूज़ करके डिस्प्ले करना पड़ेगा और ब्राउज़र के अंदर और भी तरह के इंजन होते हैं जो जिसकी वजह से वो एस टी एम एल सी एस एस को समझते हैं तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल तरह के इंजनस हैं और ब्राउज़र तीन तरह के लैंग्वेज समझते हैं एस टी एम एल सी एस एस तीनों का बहुत अलग अलग यूज़ केस है एस टी एम एल से आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो सी एस एस से आप स्टाइलिंग कर सकते हो और जावा स्क्रिप्ट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो इस प्ले लिस्ट में हम कवर करने वाले हैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा कि किस हिसाब से आप जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो तो इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको एक और होस्ट इन्वायरमेंट बताने वाला हूं और ये क्यों आया उसका रीज़न भी बताता हूं तो हमने अभी तक देखा कि जवार स्क्रिप्ट जो है बहुत लिमिटेड है वो सिर्फ हम ब्राउज़र के अंदर रन कर सकते हैं बहुत ही इसको कंस्ट्रेंट कर रखा है लिमिट कर रखा है राइट right? तो 2010 में नोट को इंट्रोड्यूस करा गया ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है और एक जावास्क्रिप्ट का होस्ट है तो नोट को यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो तो नोट का पॉइंट ये था कि जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड किया जाए ब्राउजर के बाहर लाया जाए तो नोट हमारा जावास्क्रिप्ट एनवायरमेंट है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये ब्राउजर होता है तो हमने इस ब्राउज़र के बाहर भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ नोड और नोड जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनट्राइन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मिल जाएगा और नोड की मदद से हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को हमने एक्सटेंड किया जैसे कि अब हम रीड एंड राइट फाइल्स भी कर सकते हैं और हम नेटवर्क पे डेटा रिसीव और सेंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड तो इस प्ले में हम नोड पे नहीं जाने वाले बहुत डिटेल में हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट कवर करने वाले हैं फंडामेंटल और हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप वेब पेजेस वगैरह कैसे बनाते हो क्योंकि मोस्टली जावास्क्रिप्ट का यूज़ केस वही होता है बट आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या है और ब्राउज़र क्या है ये दोनों होस्ट इन्वायरमेंट है तो आप लोगों को हाई लेवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि कल को आप नोड पढ़ रहे हो तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल अलग है फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए कि नोट क्या है और हो सकेगा तो मैं इस प्लेलिस्ट में नोट को भी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे